तो बेटे हम नेक्स्ट करेंगे कोलिजन इन वन डिमेंशन, ठीक है? तो हम एक्सप्रेशन करेंगे वन डिमेंशन में कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन का एंड इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है? तो बेटा इन वन डिमेंशन का क्या मतलब है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे, मतलब स्ट्रेट पाथ पे क्या है, मूव कर रही है, मतलब एक डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ठीक है? मीन्स एक पाथ पर ही मूव कर रही है, ठीक है? तो हम पहले बात करेंगे कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटे हमने पढ़ा था कि कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है, जब बॉडी क्या करती है कोलिजन के बाद स्टिक होके एज अ सिंगल बॉडी मूव करती है, जिसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी जब बुलेट को हम फायर करते हैं गन से और वो वुडन ब्लॉक में जाके बैंड हो जाती है, और वो वुडन ब्लॉक जब मूव करता है तो एज अ बुलेट एंड जो वुडन ब्लॉक है वो एज अ सिंगल बॉडी मूव करते हैं, ठीक है? तो कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन इज दैट कोलिजन इन विच टू बॉडीज मूव अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कोलाइड्स विद ईच अदर एंड स्टिक टूगेदर एंड कॉन्टिन्यू टू मूव एज अ वन बॉडी अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो एज अ सिंगल बॉडी मूव करते हैं अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने कंसिडर कर लेनी है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है? बॉडी ए का मास कितना है m1 एंड बॉडी बी का मास कितना है m2। दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विद वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है? तो बॉडी m1 की वेलोसिटी मींस जिसका मास m1 है, बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी है u1 एंड बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी है u2, ठीक है? तो कहते हैं कुछ टाइम के लिए दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है ना? द बॉडी सफर्स इन इलास्टिक कोलिजन एंड सो आफ्टर कोलिजन दे स्टिक्स टूगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विद वेलोसिटी वी अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच m1 एंड m2 मूव्स, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, जब कोलिजन होती है, कहते हैं कोलिजन के बाद दोनों स्टिक हो जाते हैं आपस में और एज अ सिंगल वेलोसिटी मूव करते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे मूव करेंगे तो उनकी वेलोसिटी दोनों कितनी हो जाएगी v, और मास कितना हो जाएगा m1 v1। तो हमने इसमें पढ़ा था कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना? तो कहते हैं फ्रॉम द लीनियर, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हमें पता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, एंड आफ्टर कोलिजन दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो आफ्टर कोलिजन मास कितना है m1 प्लस m2 एंड वेलोसिटी कितनी है v। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है ना? तो इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन एंड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो ये तो हमारे पास था कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, बट कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं वो हमने देखनी है, ठीक है ना? तो हमने काइनेटिक एनर्जी दे ली कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है ना, जब इन इलास्टिक कोलिजन होती कितनी है, हाफ एम, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो बिफोर कोलिजन बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, एंड हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर, ये बिफोर कोलिजन होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, मीन्स ये आफ्टर कोलिजन जब दोनों बॉडीज़ क्या हो गई, आपस में स्टिक हो गई हैं, ठीक है, तो एक वेलोसिटी के साथ दोनों क्या है, मूव कर रही हैं, ठीक है, तो दोनों का क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ये नेगेटिव साइन कब आया कि दोनों क्या है, हम देख के चलते हैं कि दोनों क्या इक्वल है, तो इस तरफ अगर शिफ्ट कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। पर कहते हैं इसमें से हमने जो हमने मोमेंटम में से वी की वैल्यू निकाली है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन सेम आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी की वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी m1 m2, ठीक है, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, जो हमारे पास हमने ये स्क्वायर ओपन कर लिया, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर को ओपन कर लिया, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, जो एडअप हो रही है उनको एडअप कर दिया, ठीक है, ये सी वाला फैक्टर हमारे पास क्या हो रहा है, टू m1 m2 u1 u2, ठीक है, जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है वो हमने कैंसिल आउट कर दी और जो हमारे पास एडअप हो रही है वो हमने एडअप कर दी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके इसको हमारे पास क्या आ गया, m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है।
तो हाफ हमने बाहर निकाल के, ठीक है, यहाँ से हमने M1, M2 सभी में से कॉमन निकाले, क्योंकि ये सब में से कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन निकाल लिया और ये फैक्टर भी कॉमन है, इसको बाहर रख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस 2U1U2। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, इसका U1 प्लस माइनस U2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज M1 M2 ओवर 2 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी एज एक्सपेक्टेड, हैंस इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देयर इज़ अ मैक्सिमम लॉस ऑफ कनेटिक एनर्जी एज U1 माइनस U2 इज मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन। कनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। क्या कहते हैं, कहते हैं जो हमारे पास जो वेलोसिटीज थी पहले U1 U2, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड है दोनों बॉडीज़ की। कहते हैं जो कनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है या, ठीक है, लॉस हो रही है, वो एज अ साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन फॉर कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चे जब भी आपने एक्सप्रेशन करना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन चीज़ें इनमें कंजर्व रहती है और कौन कौन सी चेंज हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में, तो जब बॉडी कोलाइड करती है तो वो दोनों बॉडी जब कोलाइड करती हैं, वो दोनों आफ्टर कोलिजन स्टिक होके एज अ सिंगल बॉडी मूव करने लग जाती है, ठीक है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मोमेंटम कंजर्व रहता है बट कनेटिक एनर्जी चेंज होती है, मीन्स लॉस होता है कनेटिक एनर्जी का एज अ हीट या फिर एज अ साउंड, किसी भी फॉर्म में एनर्जी क्या है, लॉस होती है। ठीक है, तो हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला, मोमेंटम में से वी की वैल्यू निकाली, ठीक है, और कनेटिक एनर्जी ले ली कोलिजन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की, यहाँ पे वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सिंपली, और सिंपली हमने क्या किया, होल स्क्वायर को खोला, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल अप्लाई किया, ठीक है, जो 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 जैसे फैक्टर कट आउट हो रहे हैं कट आउट कर दिए, और जो हमारे पास बचते हैं हम उनको लिख के, जो कॉमन निकल रहा था हमने कॉमन निकाला, और हमारे पास ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, किसका एक्सप्रेशन आया, ये कनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना, जो कनेटिक एनर्जी चेंज हुई है उसका, ठीक है ना, जो हमें पता कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, कहते हैं देयर इज अ मैक्सिमम लॉस ऑफ कनेटिक एनर्जी, इतना लॉस हो रहा है कनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। तो कनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, एज अ हीट एंड एज अ साउंड। तो नेक्स्ट है बच्चे इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या थी, हमारे पास जब दो बॉडीज़ मूव कर रही हैं, ठीक है, स्टिक मतलब कोलिजन के बाद स्टिक नहीं होंगी बट सेपरेटली फिर से मूव करने लग जाएगी अपने अपनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इज दैट कोलिजन इन विच टू बॉडीज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कोलाइड्स विद ईच अदर विदाउट एनी लॉस ऑफ कनेटिक एनर्जी देन कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन। तो इस केस में बच्चे कोई भी कनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कोई भी मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, बट दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है, जिनका मास M1 M2 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करें, दैट इज़ U1 एंड U2, ठीक है। तो ए बॉडी का जो ए बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, U1 है, बी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, U2 है, ठीक है। तो दोनों इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। कहते हैं सपोज कर लो कि U1 की वेलोसिटी ग्रेटर हो गई है, मीन्स U1 की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दिया हमने, जब ये इसकी वेलोसिटी हम इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें टकराएगी, कोलाइड करेगी, ठीक है। तो बॉडी क्या की, जब इसकी वेलोसिटी हमने इंक्रीज़ कर ली तो ये बॉडी इसमें जाके क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, ठीक है ना। तो जब कोलिजन हुई, ठीक है, तो कोलिजन होने के बाद दोनों सेपरेटली फिर से मूव करने लग गई हैं, ठीक है। कोलिजन होने के बाद जैसे बॉल्स है, दो बॉल्स मैंने आपस में टकराया और दोनों क्या कर रही है, फिर से टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद फिर से सेपरेटली अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमने यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि बिफोर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम था वो कितना था, बिफोर कोलिजन हमारे पास कनेटिक एनर्जी कितनी थी, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना था, और आफ्टर कोलिजन कनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है एंड कनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो कोई लॉस नहीं होता, ठीक है। तो दोनों के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम, कहते हैं देयरफॉर टू बॉल्स विल सफर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लेट V1 एंड V2 विद रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी ऑफ द वॉल ए एंड बी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन द टू बॉडीज विल सेपरेट आफ्टर कोलिजन इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू V2 माइनस V1। कहते हैं दोनों बॉडीज क्या करेंगी, अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ
आफ्टर कोलिजन क्या करेंगी, मूव करेंगी कौन कौन सी वेलोसिटी के साथ, बी वन एंड बी टू, ठीक है ना, उसी सेम स्ट्रेट लाइन पे उसी पाथ के ऊपर क्या करेंगे दोनों मूव करेंगी, ठीक है। कहते ये बॉडीज तब सेपरेट होंगी, ऑब्वियसली तभी सेपरेट होंगी अगर एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखो कोलिजन के बाद एक अगर एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वी टू की वेलोसिटी सपोज ज़्यादा है तो वी वन की कम है, तो मूव तो करेंगी बट तभी सेपरेट होंगी ना अगर वेलोसिटी एक की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कहते हैं बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कितना था हमारा, बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या था, एम वन यू वन एम टू यू टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिफोर कोलिजन बॉडी ए एंड बॉडी बी का जो मोमेंटम था हमारे पास वो कितना था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू गिव द नंबर वन, ठीक है, इसको हमने नंबर वन डाल दिया। तो कनेटिक एनर्जी कितनी थी बिफोर कोलिजन, दैट इज़ हाफ एम एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, एंड देन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना था, ऑब्वियसली जब दोनों बॉडीज अलग अलग से मूव करें तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, एंड कनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये था क्या था हमारे पास, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम एंड कनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो बेटा उसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है जो क्लास जो हमारे पास कोलिजन है वो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम भी सेम होगा, मतलब कंजर्व रहेगा, एंड कनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमने मोमेंटम ले लिया, ठीक है ना। हमें पता है कि दोनों मोमेंटम एंड कनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व है सिस्टम की, ठीक है। तो हमने मोमेंटम का भी एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल का, और कनेटिक एनर्जी का भी हमने एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल का, मींस बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन का। तो हमारे पास मोमेंटम कितना आ गया बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, मींस बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम था वो आफ्टर कोलिजन के क्या आ गया, इक्वल, गिव दम नंबर एट, ठीक है ना। देन एक्सप्रेशन फॉर कनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज दिस, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर हाफ एम टू यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है, गिव दम नंबर नाइन। तो हमने क्या किया, हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन एट, यहाँ से हमने एक जो हमने जो मासेज एम वाली जो वैल्यूज थी वो एक तरफ इकट्ठी कर ली, एम टू वाली जो वैल्यू थी वो एक तरफ इकट्ठी कर ली, मतलब शिफ्टिंग कर दी, ठीक है, एम वन यू वन, ठीक है, तो इस तरफ हम इसको ले आए, एम वन वी वन एम टू यू टू को उस तरफ ले गए। तो हमने दोनों में से एम वन कॉमन निकाल लिया और इधर हमने एम टू कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये देखो एम वन कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया, यू वन माइनस वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू माइनस यू वन, ठीक है ना। तो कहते हैं इस इक्वेशन में से भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है, एक मतलब सिंगल बॉडी का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रख लिया बॉडी ए का, और बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बॉडी बी को एक साइड इकट्ठा कर लिया, उसमें से हमने क्या किया, मासेस को कॉमन निकाल लिया, एम वन को कॉमन निकाल लिया और एम टू को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे पास मोमेंटम का एक्सप्रेशन था, और ये क्या है, कनेटिक एनर्जी का, ठीक है। हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, ठीक है, ये हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपस में, 10 इक्वेशन को और 11 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जब हम सिंपल अलजेब्रा है बेटा, ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे, एम वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, यू वन माइनस वी वन, यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर ओवर यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर ओवर वी टू माइनस यू टू, ठीक है, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो हमें पता है ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको ये हमारे पास जो आया था इसको हमने क्या ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई मीन्स यू वन माइनस वी वन प्लस यू वन प्लस वी वन, ठीक है। तो ये जो फैक्टर कैंसिल आउट होता है तो ये वाली इक्वेशन इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, और ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास सिंपली क्या बचा, यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू वी टू
प्लस यू टू, ठीक है। तो हमने इनिशियल वाला एक साइड इकट्ठा कर लिया और फाइनल वाला एक तरफ इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल की इक्वल आ गई। अगर हम इस फैक्टर को इसके नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, इस फैक्टर को इसके नीचे लेके जाते हैं, डिवाइड में लेके जाते हैं, तो इस तरफ वन बच जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर कोलिजन। कहते जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर कहते हम और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन दोनों क्या है, इक्वल है। अप्रोच की मतलब अप्रोच का क्या मतलब है, जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करिए मीन्स कोलिजन हो रही है दोनों की, ठीक है। अप्रोच कब करेंगी, जब एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी दूसरे से, दोनों एक तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगी, और सेपरेशन जब दोनों कोलिजन के बाद सेपरेटली मूव कर रही है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है, और वो क्या था हमारे पास, E इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन ओवर यू वन माइनस यू टू। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड में ले आएँ, ठीक है, ऐसे डिवाइड में, तो हमारे पास ये वन बचेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ फ्री साइलेंस के साथ कंपेयर करूँगी, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। करूँगी कंपेयर इस इक्वेशन को, इसके साथ कंपेयर करो, इसका जो एक साइड इक्वल है वी टू माइनस वी वन ओवर यू वन माइनस यू टू इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मीन्स E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, वन। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन इज वन, ठीक है। तो ये बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी वी वन ऑफ अ बॉडी आफ्टर कोलिजन की हमने निकालनी है, कि आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी है, मतलब कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही है, तो हमने क्या करना, तो बेटा हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी वी वन ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, जो बॉडी ए है उसकी कितनी वेलोसिटी है जब वो कोलिजन के बाद, ठीक है, जब कोलिजन के बाद दोनों अपने अपनी वेलोसिटी के साथ ये बॉडीज मूव करेंगी वी वन एंड वी टू, तो ये कितनी मतलब कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हमने उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमने क्या किया, हमें पता है, ठीक है, जो हमने निकाला था कि दोनों की जो वेलोसिटीज़ है, रिलेटिव वेलोसिटीज़ है, वो आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन क्या है, इक्वल है। यहाँ से हमने वी टू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, वी टू की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कौन सी इक्वेशन में, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, करते हैं उसमें क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास क्या बन गया, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू, जो ये पूरी वैल्यू है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, ठीक है। तो क्या किया, सिंपली हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन, ये मेरे पास आ गया। मैंने बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो जो मेरे पास कॉमन निकालते हैं मैं कॉमन निकालूंगी, और जो जो मेरे पास, ठीक है, कटता है उसको काट दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसमें से जो मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं, वेलोसिटी की वैल्यूज़ हैं, फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यू है, वो मैंने सेपरेट कर लेनी है, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, वी वन फाइंड आउट करना है। तो इनमें से जो जो वी वन की वैल्यूज़ है वो क्या कर लेनी है, मैंने सेपरेट कर लेनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, वी वन की वैल्यूज़ कौन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, तो बाकी मैंने एक एक तरफ कर दूंगी सारी। तो मेरे पास आ गया एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इनको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एम टू यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम टू वी वन और एम वन वी वन। तो इनमें से क्या क्या कॉमन निकलता है वो निकालूंगी, यू वाले फैक्टर्स को कॉमन निकालूंगी एंड
U2 वाले को, पहले U1 वाले को निकाल लेती हूँ, ठीक है। U1 कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, M1 प्लस M2, ठीक है, और इनमें से U2 कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ गया U2 दैट इज M1 प्लस M2, ठीक है। सॉरी, ये तो दोनों सेम ही है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ये फैक्टर सेम रहेगा, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में पड़े हुए हैं। अगर प्लस में तो ट्वाइस हो गया, दैट इज़ 2M2U2 इज़ इक्वल टू, इनमें से कौन सा फैक्टर कॉमन निकल रहा है, V1। तो मेरे पास क्या आ गया, M1 प्लस M2। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने वैल्यू निकालनी है V1 की। तो यहाँ से हमने क्या किया, V1 की वैल्यू निकालूंगी, इस फैक्टर को यहाँ इस तरफ ले आऊँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, U1 M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 ओवर, ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज़ अ V1, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है V1 की, वो क्या आई है, U1 M1 प्लस M2 प्लस U2 ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वेलोसिटी की, कौन सी वेलोसिटी है ये, V1 दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया है V1 वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन। कैसे निकाला हमने, जो हमने फाइंड आउट किया था कि रिलेटिव वेलोसिटीज क्या है, दोनों की इक्वल है, वहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकाल ली, और V2 की वैल्यू हमने जो हमारे पास था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या है, सेम है, उसमें हमने V2 की वैल्यू सब्सिट्यूट की, और सिंपली हमने क्या किया, ठीक है, तो हमने ये वैल्यू क्या की, सब्सिट्यूट की V2 की वैल्यू किस में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के में, कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या है, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मोमेंटम क्या है, दोनों का सेम है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, V2 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ये वाली पूरी, ठीक है, ठीक है। M2 को अंदर तीनों फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। जो जो फैक्टर कॉमन निकालते हैं वो कॉमन निकाल लिए, जैसे इसमें से U1 कॉमन निकलना था, U1 कॉमन निकाल लिया, और ये दोनों प्लस में थे तो ये ट्वाइस हो गया, ठीक है, M2U2 ट्वाइस हो गया, ठीक है। इसमें से हमारा फैक्टर जो V1 कॉमन आ रहा था, वो हमने V1 कॉमन निकाल लिया, और इसको डिनोमिनेटर में लिया, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई, मीन्स मेरे पास आई है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। तो ये सेम इक्वेशन में से हमने वैल्यू किसकी निकाल लेनी है, यहाँ से हमने वैल्यू V2 की निकाली थी, अब यहाँ से हमने वैल्यू किसकी निकाल लेनी है, V1 की। तो यहाँ से अगर हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, कितनी वेलोसिटी थी बॉडी बी की, V2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो उसी इक्वेशन में से हमने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, अब यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू V2 माइनस U1 प्लस U2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। सेम हमने क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सब्स्टिट्यूट करनी है, और हमारे पास सेम प्रोसेस के साथ जो मेरे पास V2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2, ठीक है, कितनी आएगी, 2M1 U1 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सेम वैल्यू है, अगर मैं इस इक्वेशन को इसकी तरफ लिखूं, क्या करूंगी मैं, मतलब एक एक फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, U1 M1 प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 ओवर दिस, ठीक है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं, अब डिनोमिनेटर में इकट्ठा है तो मैं अकेले अकेले के नीचे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो V2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2M1 U1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U,
ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वी टू की। ये सेम वैल्यू आई है वी टू की एज वी वन, बस उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में कि जो हमारे पास जो रिप्लेस हुआ है उसमें मास एम वन एम टू के साथ रिप्लेस हो गया। देखो यहाँ पे एम वन यू वन था, ठीक है, और यहाँ पे कितना था एम टू यू टू। बस सिंपली क्या हुआ है, जब मैंने वी वन की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब बॉडी ए की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर कोलिजन, तो मेरे पास जो फैक्टर्स में एम वन एम टू है वो बस इंटरचेंज हो, वेलोसिटीज आई हैं इसकी वो कितनी आ गई है, दैट इज़ दिस वन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट वैल्यू ऑफ वी टू कैन बी डायरेक्टली रिटन फ्रॉम द इक्वेशन 14। हेयर वी वन रिप्लेसिंग एम वन बाय एम टू, ठीक है। वी वन में क्या करना है, वी वन में क्या करना है, जो एम वन की वैल्यू है उसको एम टू लिख देना है, यू वन को यू टू लिख देना है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। और वी टू में क्या करना है, एम टू को एम वन लिख देना और यू टू को यू वन लिख देना है, सिंपली, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या है, काइंड ऑफ सेम है। दस द अननोन क्वांटिटी यू वन सॉरी वी वन एंड वी टू आर ऑब्टेंड टर्म्स इन द नोन क्वांटिटीज एम वन एम टू यू वन यू टू। कहते हैं अगर हमने वेलोसिटीज निकालनी है, ठीक है, सपोज हमें कोई वैल्यू दी है, ठीक है, तो हमें मासेस गिवन है बॉडीज के, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है, तो उसके साथ हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन की, कितनी कितनी वेलोसिटी के साथ ही बॉडीज़ है जो मूव कर रही हैं। तो इनके ये स्पेशल केसेस हैं, क्या है, कहते हैं व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस, कहते हैं जब दोनों बॉडीज़ के मास इक्वल हैं, ठीक है। हम लेट करके चले थे कि एक बॉडी का मास एम वन है, एक का एम टू है, अगर दोनों का मास एम है, मतलब एक बॉडी का मास भी एम है दूसरे का भी मास एम है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे वैल्यू एम वन एम टू की जगह एम एम सब्स्टिट्यूट कर दें तो एम माइनस एम कट गया फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे एम एम टू तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एम वन सॉरी टू एम यू टू ओवर टू एम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, ये फैक्टर ज़ीरो हो गया, तो ठीक है, ये टू एम कैंसिल, तो यू सिंपली यू टू मीन्स जो हमारे पास वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। मीन्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बी बिफोर कोलिजन, ठीक है। कहते जो बॉडी बी की वेलोसिटी थी कोलिजन के पहले, वो वेलोसिटी ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। और फ्रॉम इक्वेशन 15, और सिमिलरली जब हमने वेलोसिटी वी टू निकाली थी, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टू की वैल्यू यू वन के इक्वल आ जाएगी। मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में से क्या हम रिजल्ट निकलता है हमारा, जब मासेस हम सेम लेके चलते हैं, कि कहते वी फाइंड दैट इन वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस इंटरचेंज और एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो कहते हैं जब हम इस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अगर मासेस सेम है, तो इस उस केस में जो इन्होंने वेलोसिटीज है वो इंटरचेंज कर ली है, मतलब जो पहले वेलोसिटी ए बॉडी की थी, ठीक है, तो वो आफ्टर कोलिजन वो बी बॉडी ने अटेन कर ली है, ठीक है, सेम वेलोसिटी, ठीक है। अगर कहते हैं जो बॉडी बी की वेलोसिटी थी वो बॉडी ए ने अटेन कर लिया आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, कहते हैं जो एक्सचेंज होगी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, जो बिफोर कोलिजन की वेलोसिटीज थी वो आफ्टर कोलिजन में क्या हो गया, एक्सचेंज कर लिया बॉडीज ने, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या होगा, कहते जब हमने बेटा जब भी क्वेश्चंस ये केसेस लेके चलने हैं ना, कि मासेस सेम है, ठीक है, अगर टारगेट बॉडी रेस्ट पे है, अगर दोनों बॉडीज़ के जो दोनों इक्वल मासेस के हैं, जो भी है, तो हमने वेलोसिटीज निकाली थी ना बिफोर आफ्टर कोलिजन बी वन एंड वी टू बॉडी ए वन ए टू की, उसी में सब्स्टिट्यूट करने हैं सारे, ठीक है। तो कहते हैं सेकंड क्या है, व्हेन द टारगेट बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट, देखो अगर बॉडी ए की वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी में वो टक्कर मारेगी। कहते हैं सपोज कर लो कि बी मूव ही नहीं कर रही, बी की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बी की जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पे है, ए मूव कर रही है, तो ए की वेलोसिटी होगी, मतलब ए की इनिशियल वेलोसिटी होगी और बी की कितनी होगी, जीरो, ठीक है, तो यू टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो उसी फैक्टर में, उसी इक्वेशन में 14 में अगर हम यू टू की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, 14 में अगर यू टू की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, ठीक है। अगर ये पूरा फैक्टर हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है, ये पूरा फैक्टर जीरो, तो मेरे पास क्या आ गया, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन एम टू इंटू यू वन, ठीक है। और सिमिलरली हम 15 में अगर
यू टू की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एम वन यू वन ओवर एम वन प्लस एम टू, थ्री सब केसेस अराइजेज फ्रॉम दिस केस। तो इस केस में आगे फर्दर तीन केसेस लगते हैं, ठीक है। सपोज कहते हैं बॉडी रेस्ट पे है बट दोनों के मासेज इक्वल हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हमने वेलोसिटीज निकाल ली। अगर कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी है जो बॉडी बी की जीरो है, मीन्स बॉडी बी रेस्ट पे है, अगर दोनों के मासेज इक्वल है तो इसी में हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे फर्दर, ठीक है। अगर मासेज दोनों के इक्वल है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी बॉडी वन की वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। क्योंकि क्या कहा था मैंने कि जब हमने इसमें क्या निकाला है कि वेलोसिटीज क्या है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है ना, यही किया था ना। अगर मासेज इक्वल है तो बॉडीज़ क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। जो बॉडी ए की पहले वेलोसिटी थी वो बॉडी बी की हो जाएगी। अब जब इसमें हम सब केस लगा रहे हैं, ठीक है, तो सब केस में क्या कर रहे हैं, मास इक्वल रख रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, पहले किसका हमारे पास आया था कि यू टू कितना है, ज़ीरो, मीन्स बॉडी बी रेस्ट पे है, तो इसमें वी वन ज़ीरो आ जाएगा, मीन्स आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए है वो रेस्ट पे हो जाएगी, ठीक है ना। और फ्रॉम 19 इक्वेशन में अगर हम इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, ठीक है, दिस इज 19 इक्वेशन, ठीक है, अगर हम इसमें दोनों मासेज इक्वल सब्सिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा कि वी टू की वेलोसिटी यू वन की इक्वल आ जाएगी, मीन्स जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी ए बॉडी की अब वो बी बॉडी अटेन कर लेगी, मतलब उस उतनी वेलोसिटी के साथ अब बॉडी बी मूव करेगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो ये हम इसके सब केसेस हैं, ठीक है ना, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहते हैं दस व्हेन अ बॉडी ए कोलाइड्स अगेंस्ट बॉडी बी इज इन ए ऑफ इक्वल मासेज एट रेस्ट, बॉडी बी स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी ए कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो इससे क्या राइज हो रहा है, कहते जब बॉडी ए कोलाइड करेगी बी के साथ, क्योंकि बी क्या रेस्ट पे है, तो कोलिजन के बाद ए बॉडी रेस्ट पे हो जाएगी और बी मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, सपोज मैं कैरम बोर्ड खेल रही हूँ, ठीक है, कैरम बोर्ड पे क्या होता है, स्टैगर मारते हैं, ठीक है, तो कई बार वो स्टक हो जाता है, ठीक है, वो जो हमारे पास डिस्क होती है जो हम जिसके साथ हम खेलते हैं, तो हम जब मारते हैं तो वो स्टक हो जाता है और दूसरी बॉडी मतलब दूसरा जो हमारे पास ठीक है डिस्क है वो मूव करती है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। ऑब्वियसली द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड इट पुशेस द सेकंड बॉडी विद इनिशियल स्पीड ऑन कोलिजन, दैट इज द होल ऑफ द कनेटिक एनर्जी ए इज ट्रांसफर टू द बी। तो क्या करेगी, जो ए बॉडी थी जब बी बॉडी के साथ वो क्लाइड करेगी, क्योंकि बी बॉडी रेस्ट पे है, तो वो अपनी पूरी जो कनेटिक एनर्जी है वो बी बॉडी को दे देगी, पूरी कनेटिक एनर्जी उसने बी बॉडी को दे दी, ठीक है। तो क्या करेगी, वो खुद ए बॉडी रेस्ट पे हो जाएगी और बी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑब्जर्व दैट वेन अ प्लेयर प्लेइंग विद द ग्लास बॉल स्ट्राइक्स अ, जैसे हम ग्लास बॉल्स के साथ खेलते हैं, कंचे बोलते हैं जिसको, ठीक है, कंचों के साथ जब हम खेलते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी मींस जो रेस्ट पे कंचा होता है उसके साथ जब वो टकराता है तो वो खुद वहीं पे रह जाता है और आगे वाले को मूव करता है। मारते हैं ना कंचों के साथ तो सभी खेले होंगे, ठीक है ना, तो जब हम उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो खुद रेस्ट पे हो जाता है, वो अगले वाले कंचे को क्या करता है, मोशन में ले आता है, मींस अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देता है, ठीक है ना। जैसे ठीक है, तो हिज बॉल कम्स टू रेस्ट वेयर अ स्टेशनरी बॉल स्टार्ट्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, कहते हैं जितनी वेलोसिटी के साथ वो कंचा स्ट्राइक करेगा उतनी वेलोसिटी के साथ वो आगे वाला कंचा क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जैसे बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये देखो दोनों के सपोज बिफोर कोलिजन दोनों के मासेस क्या है, mm है, बट वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट है। ड्यूरिंग कोलिजन दोनों कोलाइड की, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या किया, बॉडी ए ने यू टू अटेन कर ली, मीन्स इसकी वेलोसिटी अटेन कर ली, और बॉडी बी ने इसकी वेलोसिटी अटेन कर ली, मीन्स बॉडी बी ने यू वन वेलोसिटी अटेन कर ली, ठीक है। अगर कहते हैं कि दोनों के मासेस सेम है बट वेलोसिटीज क्या है दोनों की, ठीक है, एक रेस्ट के ऊपर है, एक किसके ऊपर है, मीन्स दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं, ये तो सेम डायरेक्शन में अप्रोच करेंगी। अगर सेम डायरेक्शन में अप्रोच करेगी, सपोज ये बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसके बीच ये कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा, ठीक है, या इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है, दोनों के साथ टक्कर हो जाएगी, तो दोनों क्या करेंगी, टक्कर होने के बाद फिर से अलग अलग मूव करेंगी, एक इस तरफ को मूव करेगा और एक इस तरफ को मूव करेंगी, और क्या करेंगी, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगी, ठीक है ना। अगर कहते जैसे ये एग्जांपल एक रेस्ट पे है एक मूव कर रहा है, सिमिलरली तो क्लाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, एक रेस्ट पे हो जाएगा, दूसरा मूव करना शुरू हो जाएगा। तो दीज आर द थ्री सब केसेस जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। सेकंड कौन सा है,
व्हेन अ वेरी लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ वेरी हैवी बॉडी, जब कहते हैं बहुत ही लाइट बॉडी बहुत हैवी बॉडी के साथ टकराती है, व्हेन द मास ऑफ ए इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द बॉडी बी, उस केस में क्या आता है, अगर हम मासेज लेके चलते हैं, ठीक है, कि एम वन का मास बहुत ही ज़्यादा छोटा है एम टू के साथ, ठीक है, जो हमारे पास जो 80 to 90 इक्वेशन आई थी हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो हम क्या करके लेके चलते हैं कि एम वन एम टू का मास है वो नियरली इक्वल टू एम टू लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि जो एम वन का मास है वो बिल्कुल छोटा है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, निकलेक्ट कर दिया, इसको जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, जीरो भी नहीं करते बिल्कुल ही, हम मान के नहीं चलते, तो इसको ही मानेंगे सिर्फ, इसको इस फैक्टर को ख़त्म कर देंगे, तो क्या करना है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर सपोज कर लो कि हमारे पास जो बॉडी का ए बॉडी का मास है वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू बॉडी बी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, हम इसका जो मास है वो निगलेक्ट करके चलते हैं, मान के नहीं चलते कि ये मास है ही नहीं है, ठीक है, इसका बिल्कुल ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या किया, ठीक है, 18 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, दैट इज़ 18 इक्वेशन कौन सी हमारे पास, ये वाली, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू में सिर्फ किसका मास कंसिडर करके चल रहे हैं हम, सिर्फ माइनस ऑफ एम टू, दिस इज़ अ माइनस ऑफ एम टू, ठीक है ना, मीन्स हमने इसको निगलेक्ट ही कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एम टू ओवर एम टू इंटू यू वन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये आ गया, तो एम वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड मेरे पास सिंपली क्या बचा, यू वन, ठीक है, तो वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू वन, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 22, और सेकंड में हमने सब्स्टिट्यूट किया 19 में इसमें, ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या किया कि एम वन तो निगलेक्ट ही कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, एम वन, तो यहाँ पे निगलेक्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बच गया, टू एम वन ओवर एम टू इंटू यू वन, दैट इज़ नियरली इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं था, ठीक है, ऊपर तो निगलेक्ट ही कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, हैंस व्हेन द वेरी लाइट बॉडी ए कोलाइड्स अगेंस्ट अ वेरी हैवी बॉडी, ठीक है, एट बी एट रेस्ट, देन द लाइट बॉडी ए रीबाउंड्स विद ऑलमोस्ट द सेम वेलोसिटी, व्हाइल द बॉडी बी कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, द हैवियर बॉडी B remains undisturbed while the lighter body A reverses its direction. तो क्या करेगी, कोलिजन के बाद दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगी, ठीक है ना, एक बॉडी इस तरफ को मूव करेगी और एक बॉडी इस तरफ को मूव करेंगी, दोनों अप्रोच तो कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, बट दोनों कोलिजन के बाद क्या करेंगी, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगी, ठीक है ना, थर्ड केस क्या है, व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ वेरी 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 लाइट स्टेशनरी बॉडी, इसका उल्टा है, ऊपर क्या था कि बहुत ही लाइट बॉडी अगर हैवी बॉडी के साथ टकरा रही है, इसमें क्या है कि बहुत ही हैवी बॉडी लाइट बॉडी के साथ टकरा रही है, तो इसमें हमने M2 को निगलेक्ट कर देना है और M को M1 को रखना है, अगर हम M2 को निगलेक्ट कर रहे हैं M1 को रख रहे हैं, तो उस वही 18 और 19 में हमने क्या कर देना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिर्फ हमने M1 फैक्टर को रखना है, M2 को क्या कर देना है, जीरो सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू U1 एंड V2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ U1, हैंस व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी ए कोलाइड्स अगेंस्ट अ लाइट बॉडी एट रेस्ट, देन द बॉडी ए मूव्स विद प्रैक्टिकली द सेम वेलोसिटी एज बी स्टार्ट्स मूविंग विद नियरली डबल द ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है, तो बॉडी बी है जो कहते हैं, जो बॉडी मतलब बी मूव करेगी वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जितनी डबल वेलोसिटी जो पहले थी इनिशियल जब वो मूव कर रहा था, मींस बिफोर कोलिजन थी, ठीक है ना, तो दिस इज अ स्पेशल केसेस जो थ्री आपके हैं, ठीक है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है बेटा, जब हैवियर बॉडी है जो लाइट बॉडी में टकराएगी, व्हेन अ हैवी बस और वी कैन से हैवी बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ ड्रम, ड्रम क्या है, बिल्कुल सड़क पर पड़ा हुआ ड्रम है, कोई लाइट बॉडी है, इतनी बड़ी बस उसमें आके टकराएगी तो क्या होगा, देन द बस कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी वेयर द ड्रम कम्स इन मोशन ऑब्वियसली, तो इतनी जोर से अगर उसमें टकरोगी तो वो बहुत ही डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे उड़ जाएगा वो, ठीक है, समझ आ गया, अगर ड्रम के साथ बस की मतलब टक्कर हो रही है, बस की ड्रम के साथ टक्कर हो रही है, तो ड्रम क्या करेगा, डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है ना, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, तो इलास्टिक कोलिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वन डायमेंशन, ठीक है, तो बच्चे इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना, उसमें फ्यूजन्स होती है यूरेनियम की, ठीक है ना, तो उसका हमें कॉज नहीं पता कि क्यों होती है यूरेनियम की फ्यूजन, ठीक है ना, तो जो कहते हैं जो हमारे पास जो इस वो टूटता है, ठीक है ना, ठीक है, फ्यूजन के दौरान, ठीक है, तो वो उसमें क्या जो न्यूट्रंस हैं वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना,
अपने वो जो स्लो डाउन ऑफ फास्ट न्यूटन इज डन व्हेन दे कोलाइड्स इलास्टिकली अगेंस्ट आगे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशंस है इसकी, ठीक है ना, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। मॉडरेटर में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, यूरेनियम को, ठीक है ना, एज अ वाटर कंटेन हाइड्रोजन न्यूक्लई, ठीक है ना, हार्ड वाटर्स को यूज़ करते हैं। तो ये आपने पढ़ लेना है, ये सिंपल ही है। इसके बाद करेंगे हम कोलिजन इन टू डिमेंशन, ठीक है, तो ये आप देख लो।